छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। प्रदेश में पहला कोरोना पॉजिटिव केस 19 मार्च को आया था। तब से अब तक 59 कोरोना पॉजिटिव केस छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं, जिसमें से 38 ठीक होकर लौट चुके हैं, जबकि 21 का इलाज जारी है। कोरोना से मौतों के मामले में छत्तीसगढ़ अभी अछूता है, यह प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। ट्रैवल हिस्ट्री के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव केस छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हैं, जबकि 2 मरीज ऐसे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं एम्स का एक कर्मचारी संक्रमित होकर ठीक भी हो चुका है। कोरोना मरीजों के मामले में छत्तीसगढ़ के रिपोर्ट को यदि देखें तो वह ठीक ठाक कही जा सकती है, लेकिन संक्रमण का दौर जिस तरह से देश के कई राज्यों में चल रहा है, उसे आंकड़ों के पैमाने पर यदि देखा जाए तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब तक 22,500 के करीब टेस्ट छत्तीसगढ़ में किए जा चुके हैं और अब तक 59 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। 282 टेस्ट करने पर एक पॉजिटिव मरीज सामने आया है। औसतन 382 टेस्ट करने पर एक पॉजिटिव मरीज सामने आया है। प्रदेश सरकार के अनुसार 1.5 लाख मजदूरों को प्रदेश वापस लाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। राज्य में जो लोग काम करने गए हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि वो यदि वापस आना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़ी है और आपकी लाने की व्यवस्था करेगी। जबकि कुछ रास्तों से मजदूर पैदल भी पहुंच रहे हैं। इस तरह से यदि 1.5 लाख मजदूर प्रदेश में आने पर उतने ही टेस्ट किए जाते हैं, ऐसे में आंकड़ों के अनुसार देखें तो कोरोना के 400 के आसपास मरीज प्रवासी मजदूरों के प्रदेश लौटने पर हो सकते हैं। ये मजदूर देश के महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से लौटेंगे जहाँ स्थिति संक्रमण वाली है। कई क्षेत्र रेड जोन में आ चुके हैं, ऐसे में मरीजों की संख्या में इजाफा होने की संभावना ज़्यादा है। सरकार प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का फैसला कर चुकी है, यह अच्छी बात है। जबकि यह फैसला कुछ पहले किया जाता तो संक्रमण के प्रभाव को कम आंका जा सकता था। प्रदेश में पैदल भी बड़ी संख्या में श्रमिक पहुंच रहे हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि अन्य राज्यों से लगने वाली सीमा पर बसों की तैनाती कर इन्हें पैदल आने से रोके। इससे भी संक्रमण का खतरा है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार पैदल आने वाले श्रमिकों का स्वागत करने के लिए खड़ी है और जगह जगह स्टॉल भी लगाया हुआ है जहां नाश्ता और अन्य पेय पदार्थों का वितरण किया जा रहा है। पिछले दिनों बड़ी संख्या में मजदूर रायपुर के टाटीबंध चौक पर पैदल पहुंचे थे और विश्राम कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों को छोटे बच्चों सहित रिंग रोड नंबर 2 पर बिलासपुर की ओर जाते देखा गया। पिछले दिनों दुर्ग जिले में मिले 8 कोरोना पॉजिटिव केस में से एक दुर्ग में कई जगहों पर घूम चुका था, जिसकी वजह से अनेक लोगों को क्वारंटीन किया गया है। सरकार को इसे रोकना होगा, अन्यथा कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है जो विभिन्न राज्यों से भीतर के रास्ते सहित अन्य रास्तों से प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, और इनमें से एक भी इधर उधर हुआ, खासकर शराब दुकानों की ओर, तो स्थिति खराब हो सकती है। मजदूरों के वापस लौटने पर प्रदेश सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। सरकार का दावा है कि वह हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य विभाग ने 8,000 बिस्तर पहले ही आरक्षित कर रखा है, साथ ही वेंटिलेटर, ICU और विभिन्न जिलों में आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर की तैयारी कर रखी है। यही नहीं, सरकार ने निजी अस्पतालों को भी आरक्षण की सूची में रखा है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अधिकार में लेकर मरीजों का इलाज शुरू किया जा सकता है। बाहर से आने वाले सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जरा भी लक्षण दिखाई देने पर RT और PCR टेस्ट किए जाएंगे। हालांकि RT यानी रैपिड टेस्ट पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सरकार का कहना है कि वह कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई की तैयारियां पूरी कर ली है। बहरहाल कोरोना का अब तक कोई वैक्सीन बाजार में नहीं आया है। सामान्य दवाओं और अन्य बीमारियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जाने वाली दवाइयों से काम चलाया जा रहा है और प्रदेश में इसके अच्छे रिजल्ट भी सामने आए हैं, इसीलिए यहाँ पर कोरोना से मौतों की संख्या नहीं है। प्रदेश सरकार लॉकडाउन के बीच में 1, 2 या 3 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन भी कर रही है ताकि संक्रमण को रोका जा सके, यानी फिलहाल इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बचाव है, जिस पर अमल करने की पुरजोर कोशिश प्रदेश सरकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX न्यूज़, रायपुर।